20 तारीख को आपको पता है रामनवमी है। मैं एक छोटा सा सवाल ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि अगर 30 तारीख को ईद होता तो ममता बनर्जी क्या धरने पे बैठने की साहस दिखाती? ममता बनर्जी का पब्लिक के सामने पूरा जो नकाब था, जो ऑनेस्टी वाला नकाब, वो उतर चुका है। और ये जो भतीजा है यूपी वाला, इसको ममता बनर्जी के जो यूपी वाला भतीजा है, इसको यूपी के जनता ने नकारा है। उस समय नया बुआ, पुराना बुआ था उसका, मायावती जी, अब नया बुआ पकड़ा है, तो देखते हैं नया बुआ से कुछ हो जाए। तो इस वक्त हमारे साथ सुकांता मजूमदार जी हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंगाल से, उनसे हम बातचीत करें। सर, जिस तरह से हम देखें कि बंगाल की मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी जी ने आह्वान किया है विपक्ष को लेकर, और लोकसभा के प्रति, आप लोगों के प्रति वो क्या है कि प्रदर्शन करने जा रहे हैं 2 दिनों के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ममता बनर्जी का पब्लिक के सामने पूरा जो नकाब था, जो ऑनेस्टी वाला नकाब, वो उतर चुका है। और एक के बाद एक धांधलिया सरकारी नौकरी बेचा गया है, दिया नहीं गया, लिटरली बेचा गया है, नीलाम किए गए है। और पश्चिम बंगाल के एडुकेशन से सेक्टर को लेकर जो इंक्वायरी चल रही थी CBI ED की, उसके साथ ये भी उठ के आया कि म्युनिसिपैलिटीज में, कॉरपोरेशन में भी नौकरियां बेची गई है। इससे ध्यान हटाने के लिए पॉलिटिकल स्टंट है, दूसरा कुछ भी नहीं है। मैं दूसरा जो पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, 29 और 30 तारीख को ममता बनर्जी धरने पे बैठ रही है कलकत्ता में जी। 30 तारीख को आपको पता है रामनवमी है। मैं एक छोटा सा सवाल ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि अगर 30 तारीख को ईद होता तो ममता बनर्जी क्या धरने पे बैठने की साहस दिखाती? कभी ईद पे उनको बोलिएगा धरना देने के लिए। सर, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसका इनको फायदा मिलेगा, जिस तरह से JDU और जितने भी अखिलेश यादव सब लोग मिलके एक मंच पर आ रहे, क्या इससे इनको प्रॉफिट मिलेगा लोकसभा चुनाव में? कि आप लोगों को अगर याद है तो 19 से पहले भी बंगाल में ब्रिगेड ग्राउंड बोल के एक बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पे इन सब नेताओं को, जो रिजेक्टेड नेता है, आपके ये जो भतीजा है यूपी वाला, इसको ममता बनर्जी के जो यूपी वाला भतीजा है, इसको यूपी के जनता ने नकारा है। तो उसने एक, उस समय नया बुआ, पुराना बुआ था उसका, मायावती जी, अब नया बुआ पकड़ा है, तो देखते हैं नया बुआ से कुछ हो जाए। तो इन लोगों को बुला के 19 में हाथ पकड़ के ब्रिगेड ग्राउंड में ये सब खड़े हुए थे। ममता बनर्जी ने बोंडा बोलते हैं, हम बंगाली बोलते चॉप, उसको फ्राई करके इनको खिलाया भी था, फिश कटलेट भी खिलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, बाकी सब वेटिंग लिस्ट में है, RAC में भी कुछ हो सकते हैं। वेटिंग लिस्ट जो है कोई कंफर्म नहीं होगा, अब तो नियम भी चेंज हो गया, जिनका वेटिंग लिस्ट होता है वो ट्रेन में चढ़ने के नियम भी नहीं है, तो ट्रेन से बाहर ही रहेंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद के रिपोर्ट।